फ्रेश और गर्मा गर्म मेथी का थेपला हो नाश्ते में तो दिन बन जाता है, वो भी इतना सॉफ्ट, टेस्टी और हेल्दी थेपला हो तो क्या बात है। इसका दही के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा ये थेपला लगता है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए रेसिपी देख लेते हैं। वेलकम टू माई चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो टेस्टी गर्मा गर्म हेल्दी थेपला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और जीरा इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। और अब हम एक बाउल में गेहूं का आटा ले लेते हैं। 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने और 1/2 कप बेसन लिया है। आप चाहे तो इसमें ज्वार का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेश 1 कप मेथी ऐड की है मैंने, अच्छे से बारीक चॉप करना है मेथी को। और अब इसमें जो हमने पेस्ट ग्राइंड की थी वो पेस्ट ऐड करनी है। और अब इसमें दही ऐड करना है, 2 टेबलस्पून दही लिया है मैंने। इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है, इससे क्या होता है सॉफ्ट और नरम रहते हैं थेपले। अब इसमें तिल ऐड कर देने हैं 1 टेबलस्पून। और अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हींग डालना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए सिर्फ मैंने इसे मिक्स किया है, अभी तक पानी नहीं डाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक टाइट सा हमें डो गूंथना है, पूरी जितना टाइट हमारा डो होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, बाद में ये डो जो है वो ढीला पड़ जाता है, तो पानी कम ही डाले, पानी कम डाल के ही इसे गूंथना है। और अब हम इसे बेल लेते हैं, थोड़ा सा आटा लगा के इसे बेल लेना है। तो फटाफट से पतले पतले ऐसे थेपले हमें बेल के लेने हैं। एकदम इंस्टेंट वाला फटाफट बनने वाला नाश्ता है, आप इसे इजीली नाश्ते में बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसे बेल लेना है पतला पतला। अगर आपका डो पतला हो गया फिर ऐसे थेपले नहीं आएंगे, इसीलिए डो जो है वो अच्छे से टाइट गूंथना है हमें। बाद में ये आटा जो है वो ढीला पड़ जाता है बेसन की वजह से, तो फिर दिक्कत आ सकती है बेलने में। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 थेपले बेल के रेडी किए हैं इस तरीके से। इतने डो में हमारे 15 थेपले आसानी से बन जाते हैं। अब हम इसे सेक लेते हैं, इस तरीके से इसे तवे पे सेक लेना है। दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगाना है, या फिर घी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से गर्मा गर्म सेक के रेडी हो गया है थेपला। इसी तरीके से सारे थेपले हम बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए हो तो गर्मा गर्म खा लीजिए, अगर आपको सॉफ्ट थेपला चाहिए हो तो बनाने के बाद थोड़ी देर में इसे खा सकते हैं आप। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी थेपला हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं या टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं। अगर मेरी थेपले की सिंपल वाली रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।